हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं ना कहीं तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जो एमसी स्टैंड और अब्दू रोजी की जो फाइट हुई थी उसके पीछे कौन अपनी गेम खेल रहा है, उस फाइट के पीछे किसकी रूपरेखा तैयार होती हुई दिख रही है। बिग बॉस 16 आपने बखूबी हर तरह से देखा होगा, काफी मूवमेंट देखे होंगे और वहीं पे आपने एक देखा होगा कि 2 या 3 दिन के लिए बिग बॉस 16 के अंदर दस्तक देते हैं गोल्डन बॉय सन्नी और गुजर भाई, दोनों जाते हैं और लगातार वो एमसी के इर्द गिर्द रहते हैं, एमसी से बात करते हैं, एमसी भी उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है कि कोई तो मेरे भाई आए हैं मिलने। वहीं पे गोल्डन बॉय की दोस्ती होती है अब्दू रोजिक से भी, और जहां पे वो अपनी गोल्डन जो चैन है अब्दू रोजिक को भी पहनाते हैं, जिसपे एक पूरा एपिसोड चलता है जो आपने देखा होगा। प्लीज ये वीडियो पूरा देखना और तय तक मैं पहुंचाने की आपको कोशिश करूंगी कि अब्दू रोजिक और एमसी स्टैंड के बीच में किसकी रूपरेखा और कौन कहानी को रच रहा है, वहां तक आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत ही सूत्रों से हमारे पास बिल्कुल एक पक्की न्यूज है, पुख्ता न्यूज है कि आखिर एमसी स्टैंड और अब्दू रोजिक की फाइट के पीछे क्या चल रहा था, कहानी क्या थी और कहां से ये स्टार्ट हुई और किसने कान भरे अब्दू रोजिक के। इसके तहत आपने देखा होगा जैसे ही गोल्डन बॉय घर के अंदर जाते हैं वो काफी खुश होते हैं, एमसी स्टैंड उनको देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं यार भाई आ गए। वहां पे उन्होंने कहा कि तेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए हम तेरे लिए आए हैं। वहीं पे उनका अच्छा बॉन्ड दिखा, काफी बातें भी एमसी स्टैंड शेयर करते हुए दिखे यहाँ पे कि यार यहाँ पे घर पे फाइट करते हैं लोग, जरा जरा से मुद्दे पे लड़ लेते हैं, मैं इन मुद्दों पे चिन्ही बातों पे नहीं लड़ सकता और मैं इन लोगों से बहुत अलग हूं और ये आटे दाल चावल पे लड़ते रहते हैं। बहुत चीजें उन्होंने शेयर करी एमसी स्टैंड ने गोल्डन बॉय के साथ, वही उनका बॉन्ड बन गया अब्दू रोजी के साथ। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि बिग बॉस एंड होने के बाद जब सब कुछ सही चल रहा था उसके तहत गोल्डन बॉय ने एक पार्टी रखी थी मंडली के साथ, और जिसमें सभी मंडली के सदस्यों को उन्होंने बुलाया था। जो बॉम्बे में पार्टी थी, जो आपने पिक्चर भी देखे होंगे, जिसके अंदर साजिद खान भी थे, अब्दू रोजिक भी थे, शिव ठाकरे भी थे और सुम्बुल तौकीर खान भी थी, काफी कंटेस्टेंट वहां पे थे। और वहीं पे आपको दिखे होंगे उस पिक्चर में गोल्डन बॉय भी वहां पे थे, उन्हीं के द्वारा ये पार्टी रखी गई थी। वहां पे गोल्डन बॉय ने इनवाइट किया था एमसी स्टैंड को, लेकिन एमसी स्टैंड वहां पे नहीं आए जबकि अब्दू रोजिक वहां पे थे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि स्टार्टिंग कहां से हुई है। जिस पार्टी में इनवाइट किया गया था वहां पे एमसी स्टैंड नहीं पहुंचे, जबकि एमसी स्टैंड तो बाकी की पार्टियों में भी नहीं जा रहे, किसी से मिलजुल भी नहीं रहे, और वो पहले से भी लोग कहते कि ऐसे ही है, चलो हमने तो बिग बॉस 16 में उनको देखा, लेकिन जो लोग उनसे पहले से जानते हैं, जो उनके हार्डकोर कट्टर फैन है, वो भी यही कहते हैं कि भाई किसी से मिलता जुलता नहीं, हम तो इसे तरस जाते हैं देखने के लिए कि बंदा कब आएगा, कब लाइव आएगा। कट टू कट एक और इवेंट होता है जो रखा जाता है गोल्डन बॉय द्वारा अपने क्लब के अंदर, जहां पे आपने देखा होगा कि काफी धूमधाम तरीके से वो अपनी गोल्डन गाड़ी के अंदर अब्दू रोजिक को अपने क्लब लेके जाते हैं, अब्दू रोजिक वहां पे उनके साथ बैठते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं। एक पिक्चर भी आपने देखी होगी जहां पे अब्दू रोजिक गोल्डन बॉय सोफे पे बैठे दिखते हैं, जहां पे उन्हें इन्वाइट किया था और वहां पे अब्दू रोजिक का वेलकम और पोस्टर भी लगे थे जो आपने उनके सिटी के अंदर देखा था गोल्डन बॉय के, वहां पे भी इनवाइट किया था एमसी स्टैंड को, लेकिन एमसी स्टैंड वहां पे भी नहीं आए। ये दो जो चीजें हो रही है इसके तहत बाद में जो आप देख रहे हो कि टीम वर्क, जो हम लगातार कहते हैं कि यार अब बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन अब बिजनेस की लड़ाई है, अब बिजनेस फॉर्मेट की लड़ाई है, कौन किसके पास कितना काम है, किसके पास इवेंट है और किसके पास कौन सी टीम किस हिसाब से अपने खिलाड़ी को आगे चलती है, वही बात सन्नी ने भी बात करी। जो सन्नी है उन्होंने भी जो आरोप लगाए हैं कि थोड़ा घमंडी हो गया है, बात नहीं कर रहा और बड़े भाइयों की बात माननी चाहिए, जो पुरानी फैमिली है उसको देखना चाहिए, लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो एमसी स्टैंड की टीम है वो उसे सही तरीके से नहीं चला रही। जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है छोटू को उसके अंदर उन्होंने एक यही चीज रखी है कि ये जो पहले वाले लोग थे जो उनके सुख दुख में काम आते, जो उसकी पुरानी फैमिली है, जो उसके बड़े भाई है, तो ये वो किस लिए कह रहे थे, क्योंकि जब गोल्डन बॉय बिग बॉस 16 के अंदर गए थे तो एमसी स्टैंड ने बाय फैला के उनसे गले मिला था, तो लगा था मैं भी कह अच्छी दोस्ती है, काफी पिक्चर भी आपने देखे हैं उनके साथ, काफी उनकी चीजें भी आती जाती रहती थी और काफी सॉन्ग के अंदर भी वो इकट्ठे दिखे हैं। तो ये क्या समझाना गोल्डन बॉय का कि क्या उनकी टीम पे अटैक था, क्या अब्दू रोजी को भी गोल्डन बॉय ने ही कुछ कहा कि भाई इस बंदे से दूर हो, हमने दो इवेंट किए इसी में नहीं आया, हमने पार्टी दी मंडली को इसमें भी नहीं आया, तुम बच के रहो, तुम अपना अपना देख लो, क्या उसी के तहत अब्दू रोजिक ने भी सीधा सीधा अटैक करना और चीजें कहना कि वो मिलता नहीं है, वो जवाब नहीं देता है, वो फोन पे सलाम का जवाब नहीं देता, यही आरोप अब्दू ने भी लगाए, यही आरोप अब गोल्डन बॉय भी लगा रहे हैं, यही आरोप अब छोटी छोटी चीजों में निकल के आ रहे हैं
शालिनी बनोट भी कह रहे हैं कि मैं कोई गालियों से कोई काम नहीं करता हूं, तो फॉर्मेट निकल के आ रहा है कि तहत एक उसको घेरने की कोशिश हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई किसी को इनवाइट करता, तो बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपको इतना प्यार मिला है, और जो आपके पुराने दोस्त होते हैं उनसे जाके मिलना चाहिए। लेकिन बार बार एक ही आरोप लगाना कि वो मिल नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, वो सलाम का जवाब नहीं दे रहा। गोल्डन बॉय ने भी जो मंडली के लिए पार्टी रखी, जो इवेंट रखा, अब्दू रोजी पहुंचा वहां पे भी नहीं दिखाई दिया हमारे एमसी स्टैंड, तो क्या कारण था कि एमसी स्टैंड इन लोगों से क्यों नहीं मिलना चाह रहे? और जो सन्नी ने भी आरोप लगाया वो टीम पे लगाया, क्या अब टीम वार चालू हो चुका है? क्या अगर वो उनकी साइड चले जाएंगे तो उनके इवेंट को काम ज्यादा मिलेगा? क्योंकि इवेंट तो अगर आप देखोगे तो गोल्डन बॉय भी करते हैं, उन्होंने अपने इंस्टा पे फोन नंबर भी दे रखे हैं कि आप कोई भी इवेंट कराना चाहे तो वो आपके साथ आएंगे। तो अपनी ऑडियंस को, अपने बिजनेस को एमसी स्टैंड अपने तक रखना चाहते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते अब्दू रोजी को, वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते गोल्डन बॉय को, वो बिल्कुल भी कॉन्टेंट या फुटेज नहीं अपनी देना चाहते कि मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा तो ज्यादा दिखूंगा। कुछ ये आरोप लग रहे हैं कि इस हिसाब से भी एमसी स्टैंड अपने आप को, जो उनकी टीम है वो इस हिसाब से हैंडल कर रही है कि इस टाइम हमारे पास ऑडियंस और हम बिल्कुल ब्रांड बन चुके हैं, तो हम अपने हिसाब से एमसी स्टैंड को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो यही है, और जो ना आना हो, और उसके बाद की जो पिक्चर आपके सामने आई कि दो तीन जगहों के बाद, और जैसे ही गोल्डन बॉय से अब्दू रोजिक मिले उनके बाद ही वो उस इवेंट के बाद लगातार अटैक कर रहे थे एमसी स्टैंड पे कि वो बात नहीं कर रहा, वो सलाम का जवाब नहीं दे रहा। तो एक उस पिक्चर थी, क्योंकि पुराने दोस्त थे, बाहर निकल के पुराने दोस्तों ने गोल्डन बॉय ने सोचा होगा कि उनके साथ रहेगा, उनके साथ घूमेगा, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि टीम वाले उसको सही से नहीं चला रहे, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा, थोड़ा सा घमंडी हो गया, बात नहीं कर रहा है। तो ये चीजें खुल के सामने आ रही है, तो इसका कारण यही है कि आप प्लीज कमेंट करके भी बताएं इस वीडियो के एंड होने के बाद कि आपको भी क्या लगता है कि हाँ अब्दू रोजिक और एमसी स्टैंड की फाइट के बीच अहम रोल अदा किया है गोल्डन बॉय ने, दो इवेंट को मिस करके का एमसी स्टैंड ने गलती कर दी है, और क्या ये फाइट अब बड़ी हो सकती है? प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपकी इस पे क्या राय है, और क्या आप कहना चाहते हैं, क्या गोल्डन बॉय के कारण ही एमसी स्टैंड थोड़े से भड़के और अब अब्दू रोजिक थोड़े भड़के और एमसी स्टैंड पे सीधा सीधा उन्होंने अटैक किया और अब खुल के सामने आ गए हैं? जैसे ही अब्दू रोजिक चले गए अपने तजाकिस्तान रमजान बनाने, तो अब मोर्चा संभाल लिया गोल्डन बॉय ने। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपकी इस पे क्या राय है, क्या रूपरेखा यही आपको समझ आ रही, क्योंकि हमें पूरी पिक्चर इसी हिसाब से दिख रही है और इसके पीछे की कहानी भी यही खेली जा रही है कि इसके पीछे फाइट अब्दू रोजिक और एमसी की जरूर है, लेकिन एमसी ने किसी को भी जवाब नहीं दिया, किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया, एमसी स्टैंड ने किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई तू मेरे बारे में ये क्यों कह रहा है, तू मेरे बारे में वो क्यों कर रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। रमजान चल रहा है, एक्स वाई जेड जो भी होगा रमजान के बाद होगा, ये एमसी स्टैंड ने भी कह दिया है अपने वीडियो के तहत। तो प्लीज कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है, अब्दू रोजिक और एमसी स्टैंड तो बहाना है, इसके पीछे क्या कोई और टीम वर्क या कोई और टीम के मैनेजर काम कर रहे हैं, क्या इसको कैसे डाउन किया जाए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, 11,000 की हमारी फैमिली, प्यार दें और इसको पूरा करें, लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं रात की लाइव में इन्हीं मुद्दों के साथ, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, बाय, खुदा हाफिज़।